नमस्कार, खुशी स्टोर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि सोलर फेंसिंग में इंसुलेटर्स का इस्तेमाल क्यों होता है और इंसुलेटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किन डिफरेंट टाइप में आते हैं, किन डिफरेंट प्राइजेस में आते हैं, ये सभी चीज़ें आज हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो ये दो इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे। पहले ये है हुक इंसुलेटर। हुक इंसुलेटर के पीछे देखेंगे तो एक होल है, वो नट बोल्ट फिटिंग में यूज़ होता है। अगर आपके पास में GI पोल है, आयरन पोल है, तो उसको नट बोल्ट फिटिंग में ये यूज़ होगा। ये परमानेंट होता है नट बोल्ट फिटिंग, लेकिन उसका खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा आता है। ये है पैरेलल होल्स जो इंसुलेटर हुक इंसुलेटर के दोनों साइड में दिए गए हैं। इन दोनों होल्स को यूज़ करके आप GI वायर से भी अपने इंसुलेटर को टाई डाउन कर सकते हैं, जिसमें कोई होल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 27 ग्राम का होता है नियर अबाउट, और ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना होता है। मोस्टली जब कोई भी फिटिंग आती है, कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, तो हम इसी हुक इंसुलेटर को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है और एक चीप क्वालिटी का भी अवेलेबल है, जो आप एंड में दिखाएंगे वीडियो के। ये है वाइट इंसुलेटर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इससे ऊपर कोई नहीं। ये भी 27 ग्राम का है, वही पैरेलल होल्स, पीछे से नट बोल्ट का फिटिंग, बट ये वर्जिन प्लास्टिक से बना होता है, इसलिए इसका जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बेटर होता है। वो भी आपको एंड में शायद दिखा देंगे इस वीडियो में। तो इन दोनों इंसुलेटर को फेंसिंग में यूज़ कैसे किया जाता है वो भी अपन देखेंगे। तो उसकी तरफ बढ़ते हैं अभी। अब ये है हुक इंसुलेटर। तो ये इकोनॉमिक फेंसिंग है, इसलिए इसमें पैरेलल होल्स का इस्तेमाल किया गया है। आप पीछे देख ही सकते हैं कि GI वायर से इसको लकड़े के पोल से टाई डाउन किया गया है। तो ये एक इकोनॉमिक वे है फेंसिंग करने का, इससे बड़े बड़े भी वे आते हैं। और आगे के जो दो थ्रेड दिए गए उसमें से अपने जो स्ट्रिंग है वो जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहेगी। तो इस तरह से हुक इंसुलेटर इंस्टॉल किए जाते हैं। व्हाइट हुक इंसुलेटर भी इसी तरह से इंस्टॉल किया जाता है, एग्जैक्टली सेम। अब ये है कॉर्नर इंसुलेटर, और यही बला है जो मोस्ट लोगों को समझ में नहीं आती कि 130 हुक दे रहे हो, 20 कॉर्नर दे रहे हो, मतलब तो समझाओ क्या है। तो ये जो आपके कॉर्नर इंसुलेटर्स है, ये आपके फेंसिंग के सिर्फ कॉर्नर पे लगेंगे, बीच में कहीं नहीं लगेंगे। तो ये इसका भी डेमो देंगे आपको कि ये लगाते कैसे है और उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है आपकी फेंसिंग के अंदर। ये आपको कमी लगेंगे, और इसका प्राइस भी हुक इंसुलेटर से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको डिज़ाइन करने में थोड़ी मुश्किल जाती है। आप देख रहे हो हुक इंसुलेटर की फिटिंग, और जब जैसे आप कॉर्नर की तरफ मूव करेंगे तो आपको कॉर्नर इंसुलेटर की भी फिटिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे एक कॉर्नर है जहाँ पे अपनी तार टर्न होने वाली है। तो ऐसे ही वक्त हम कॉर्नर इंसुलेटर को यूज़ करते हैं। इसको भी पीछे से GI वायर से टाई डाउन किया है, और आगे से अपनी जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच होके सीधे निकल जा रही है अपने अगले हुक इंसुलेटर की फिटिंग की ओर। अब इन्होंने फेंसिंग किया क्लच वायर के साथ, और इनको दो लेयर के लिए 4 कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर इंसुलेटर्स लगे। तो इस तरह से जब क्लच वायर के साथ आप फेंसिंग करते हो, तो आपको कॉर्नर जो है वो पहले से वायर के अंदर डाल के रखने हैं, और जब कॉर्नर आएगा तो उसको फिट कर देना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था कि मैं चारों इंसुलेटर्स की आपको स्ट्रेंथ टेस्ट दिखाऊंगा। ये दोनों चीप क्वालिटी के ब्लैक इंसुलेटर्स हैं, रिसाइकल्ड ही है, ये भी रिसाइकल्ड है, लेकिन ये हमारा हुक इंसुलेटर है, और ये भी हमारा व्हाइट हुक इंसुलेटर है। दोनों का वेट 27 ग्राम है, इनका वेट कम होता है थोड़ा सा, और यही वो इंसुलेटर है जो हम मोस्ट लोगों को रिकमेंड करते हैं। मोस्ट लोगों का काम इस इंसुलेटर से चल जाएगा, व्हाइट इंसुलेटर लेने की हर किसी को ज़रूरत नहीं होती। तो पहले मैं आपको स्क्रू ड्राइवर का ही टेस्ट दिखाऊंगा कि स्क्रू ड्राइवर से कैसे इंसुलेटर टूट जाते हैं। तो पहले ये इंसुलेटर के साथ ट्राई करते हैं, छोटा इंसुलेटर है और ये टूट गया, देखो आसानी से टूट गया। ठीक, ये टूट गया, ठीक, इसको रख देते हैं यहाँ पे, करते हैं दूसरा ट्राई। ये तो उससे भी आसानी से टूट गया जी, ये भी टूट गया। ठीक, अभी अपना ब्लैक इंसुलेटर सटक जाता है, लेकिन टूट जाता है वैसे, लेकिन मुश्किल होती है। ये देखिए सटक जाता है लेकिन टूटता नहीं है, क्योंकि जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, टूट नहीं रहा है। ठीक, वाइट इंसुलेटर का तो टूटने का सवाल ही नहीं है। ये फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होता है थोड़ा, तो ये बेंड होता है लेकिन टूटता नहीं है, देखिए, क्योंकि वर्जिन मटेरियल है। हाथ लाल हो गए लेकिन टूट नहीं रहा है। अभी मैं हैमर टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए हैमर है, सेंटरिंग हैमर कहा जाता है इसको, इस पर करेंगे पहले। ठीक, टूट गया जी। ये तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, किसी को गार्डनिंग के लिए भी करना हो, घर के लिए भी करना हो, तो ये तो यूज ही ना करें। ये भी ये ठीक ठाक कर सकते हैं,
देखिए मोस्ट पार्ट उसका बचा है, इसलिए ठीक ठाक उसको कर सकते हैं घर पे यूज़, और गार्डनिंग में भी चल जाएगा, लेकिन हम ये रिकमेंड नहीं करते फार्मिंग के लिए या फिर बड़े काम के लिए या फिर गार्डनिंग के लिए भी हमको, हम इसको रिकमेंड करते हैं और ये शायद ही टूटेगा। अब ट्राई करते एकदम जोर से, उनको तो थोड़े थोड़े से ये मारा था, एकदम जोर से मारा तो इंसुलेटर टूटा है, लेकिन बहुत जोर से मारना पड़ता है तभी टूटता है। अभी ट्राई करते हैं व्हाइट इंसुलेटर। नहीं टूट रहा है। अभी एक बार जोर से मार के ट्राई करते हैं टूटेगा या नहीं टूटेगा। गिर जाती गिरा। और ये देखिए सटक के बहुत दूर चले गए लेकिन टूटा नहीं है। ये देखिए यहाँ पे डैमेज्ड है लेकिन टूटा नहीं है सर। और आपको आपके फेंसिंग के वक्त किसी भी इंसुलेटर को हैमर से मारने की तो जरूरत पड़ने वाली है नहीं है, तो स्क्रू ड्राइवर से जब आपको पता चल गया था कि टाइट करते वक्त कभी कभी थ्रेड से या क्लच वायर से या फिर अगर आप टाटा की 12 mm की GI तार अगर यूज कर रहे हैं तो उससे भी बारीक वाले इंसुलेटर जो टूटी जाएंगे, ये इंसुलेटर से नहीं टूटेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो ये क्लच वायर है जो हम प्रोवाइड करते हैं, जो आपने आपके कोटेशंस में या फिर हमको मेंशन करते हुए देखा ही होगा। तो इस क्लच वायर की जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी होती है GI वायर से, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ड्यूरेबल होता है और इजी टू यूज भी होता है। तो इस वीडियो में आपको इंसुलेटर्स के बारे में मोस्टली सभी जानकारी मिली गई होंगी। इसके प्राइजेस चेंज होते रहते हैं इसलिए हम वीडियो के अंदर प्राइजेस पब्लिश नहीं कर सकते, आपको उसकी इंक्वायरी के लिए हमेशा की तरह हमको फ़ोन ही करना पड़ेगा या फिर व्हाट्सएप मैसेज डालना पड़ेगा। या फिर आपको अगर इंसुलेटर्स के बारे में और भी कोई क्वेश्चंस है कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, वाइट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो हम हमारे चैनल पर डालते रहते हैं। और CCM सोलर फेंसिंग के बारे में कुछ भी इंक्वायरी हो तो हम आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो हमेशा आते रहे। धन्यवाद।